ओके तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन हमको अभी यहाँ पे जो पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इक्वेशन ऑफ लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। अब 11th क्लास में हम जो स्ट्रेट लाइन है उसको पढ़ा है हमने किसमें, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, वो किस में पढ़ेंगे, 3D, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, राइट। तो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं तो दो फॉर्म्स निकल के आते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। कितने फॉर्म्स निकलते हैं, दो। फर्स्ट फॉर्म रहता है व्हेन द लाइन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मान लो एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, एक लाइन है जो कि एक वेक्टर एम एन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और साथ में ये दिया गया है हमें कि वो पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वन, वाई वन और जेड वन। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं इसको, इसीलिए यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, राइट, एक्स वन, वाई वन और जेड वन। अब हमें ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। मतलब एम एन क्या है, एम एन लाइन नहीं है, एम एन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, क्लियर। और एक्स वाई क्या है, एक लाइन है, और इसी एक्स वाई लाइन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन। तो हम फिर से देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट है जो हमें पढ़ना है, व्हेन द लाइन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है इसमें, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन, वाई वन और जेड वन, एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। और ये जो एक्स वाई लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये एक वेक्टर के पैरेलल है, और इस एग्जांपल में वो वेक्टर क्या है, एम एन, राइट। मतलब एम एन एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक डायरेक्शन है, इसीलिए एम एन क्या हुआ, एक वेक्टर, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट है व्हेन अ लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया था, लेकिन आपको सेकंड कंडीशन में कितने पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ अब हमको देखनी है कि फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें टू पॉइंट्स दिए हैं, सॉरी, फर्स्ट पार्ट में हमें वन पॉइंट गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। और फर्स्ट पार्ट में जो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दैट इज वेक्टर एम एन जो दिया गया था वो एक्स वाई के पैरेलल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेक्टर ऐसा पैरेलल गिवन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कंडीशन में आपको एक्स वाई की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसमें आपको दो पॉइंट्स दिए रहेंगे ए और बी। तो हमने यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं एक्स वन, वाई वन, जेड वन, और बी के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं एक्स टू, वाई टू एंड जेड टू। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक्स वन, वाई वन, जेड वन, एक्स टू, वाई टू, जेड टू हम ले रहे हैं, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जब हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना, 2D जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, तो वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है, ये टू डायमेंशन है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपका थ्री डायमेंशनल आपका प्लेन है। तो एक्स वाई जेड प्लेन में आप जो पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स जो लेंगे वो कितने लेंगे, तीन लेंगे, एक्स वाई और जेड, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि हमें इस क्लास में, 12th क्लास में हमें फर्स्ट जो कंडीशन जो पढ़नी है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। दो कंडीशन दिए रहेंगे और दोनों के वेक्टर फॉर्म होंगे, दोनों के क्या होंगे, कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं, जब हम वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम इन पॉइंट्स एक्स वन, वाई वन, जेड वन का यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वेक्टर और कार्टेशियन में डिफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट या थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, राइट। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें इन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, और यही रीज़न है कि वेक्टर फॉर्म जो रहता है कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है कार्टेशियन फॉर्म,
आई रिपीट, वेक्टर फॉर्म इज कंपेरेटिवली मोर इजियर देन कार्टिशन फॉर्म. तो हम वेक्टर फॉर्म की हेल्प से कार्टिशन फॉर्म निकालते हैं. तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, सेकंड कार्टिशन फॉर्म निकालते हैं, राइट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये केस देखेंगे, फर्स्ट वाला, जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और वो एक वेक्टर के पैरेलल है, राइट. तो थैंक यू.